नित्यानंद जी यही तो फोटो है। और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री किशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रेस के बंधुओं, आज तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को लेकर, संगठन को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बिहार में 40 में 39 सीटों पर शानदार जीत हासिल कराने के लिए बिहार वासियों को आभार व्यक्त करने के कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक का आहूत की गई। समृद्धि का, सौहार्द का, शांति का। समृद्धि का मतलब है देश की समृद्धि, समृद्धि का मतलब है देशवासियों की समृद्धि, सौहार्द का मतलब है आपस का भाईचारा, आपस का प्रेम, और शांति का मतलब है कि हम सब आपस में मिलकर हिंदुस्तान जिस विषय को लेकर विश्व गुरु बना था, विश्व शांति के संदेश को लेकर ही आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खड़ा हो रहा है और दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। और इस शांति के संदेश के लिए दुनिया के कई देशों ने अपने प्रधानमंत्री जी को पुरस्कृत भी किया है। और सुरक्षा का, सुरक्षा का मतलब सीमा की सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब है देश की सुरक्षा, और सुरक्षा का मतलब है लोगों की सुरक्षा। आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से काम करने का, सेवा करने का मौका इस विभाग के माध्यम से दिया गया है। मैं इस देश की आंतरिक सुरक्षा का वचन देता हूं। हम सब मिलकर बिहार और देश की सुरक्षा को हम बरकरार रखेंगे। जब सुरक्षा होगी तो शांति होगी, यानी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समृद्धशाली भारत, सुरक्षित भारत, शांतिपूर्ण भारत और सौहार्दपूर्ण भारत के निर्माण के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे, साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे। बिहार की सरकार और भारत की सरकार मिलकर बिहार और भारत के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार वासियों ने जिस प्रकार से हृदय के साथ भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद बिहार की जनता दी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत में पद यात्रा करके आभार व्यक्त करने के कार्यक्रम बनाई है। उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी आज बैठक है, सदस्यता को भी लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मजबूत करने का सबसे बड़ा आधार सदस्यता होती है, उसको भी लेकर आज बैठक है। लेकिन और मैं इस बैठक में ही उपस्थित, इस बैठक में ही भाग लेने के लिए बिहार प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं आया हूं, लेकिन मैं इस बैठक में अधिक देर तक नहीं रहूंगा। 2-4-5 मिनटों तक जब तक मैं बोल रहा हूं यहां हूं, इस बैठक को बिहार के संगठन महामंत्री माधव नागेंद्र जी लेंगे और आगे के सभी कार्यक्रमों के विषय में आप सबों की सलाह से चर्चा के बाद उसको फाइनल रूप देंगे।
क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, मानवता के लिए और ममता के लिए, सबके लिए दुख की घड़ी है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में चमकी बुखार के कारण उन दर्जनों बच्चों के परिवार के दुख के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी है और उसके लिए दुख भी व्यक्त करती है और संवेदना भी व्यक्त करती है। आज के कार्यक्रम जो इस बैठक के बाद था उसको भी मैंने रद्द किया है और मैं यहां से सीधे मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो बच्चे अभी चमकी बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल में है, मैं उनको देखने के लिए जाऊंगा। बिहार की सरकार और भारत की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी, पूरी बिहार सरकार इस घोर संकट की घड़ी से बच्चों को निजात मिले, यह बीमारी और आगे बच्चों को चपेट में नहीं ले, इसके लिए पूरे तत्परता के साथ लगी है, सारे अधिकारी लगे हैं। इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी दुखी है। चमकी बुखार के पहले भी कई कारण सामने आए हैं, फिर भी यह गर्मी के दिनों में खासकर जहां लीची की बागवानी होती है, जहां लीची की खेती होती है, उसके आसपास के इलाकों में ही यह बुखार बच्चों को चपेट में लेती है। इस पर पूरी तत्परता के साथ केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार लगी है कि आगे इस खतरनाक बीमारी से कैसे निपटा जाए, आए हैं उनको कैसे जल्दी स्वस्थ किया जाए। हम एक बार पुनः उस पर दुख व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, मैं बिहार की मिट्टी में जन्म लिया हूं, बिहार के मिट्टी के कण कण के प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहता है और जीवन भर इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। बचपन में मैं किसान परिवार में जन्म लेकर गांव में खेला पला बढ़ा और जैसे ही जवानी की दहलीज पर हमने पांव रखा, मुझको एक राष्ट्रभक्त संगठन की गोद में खेलने का मौका मिला। बहुत उस समय तो होश भी नहीं था, लेकिन जो सानिध्य मिला जिस विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उस संस्कार में और उस सानिध्य की और उस संगठन की संबलता ने मुझको बहुत ही शक्ति प्रदान की है। मैं जीवन भर उसको नहीं भूलूंगा और उस संगठन की और इस बिहार की मिट्टी की लाज बचाने के लिए, इसकी सेवा के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने शरीर का एक एक कतरा खून का लगा दूंगा। शायद यह मेरे जीवन का यह कर्तव्य संकल्प है। मैं एक बार पुनः बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास के बच्चे जो चमकी बुखार से पीड़ित हैं, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें और बिहार वासियों को जिन्होंने अपार समर्थन दिया है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं इस चुनाव परिणाम के बाद बिहार में, और भारत सरकार की जो
स्वागत के सारे कार्यक्रमों को वर्जित रखा, कोई फूल माला का कोई उपयोग न करें। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2 सप्ताह तक किसी भी स्वागत के कार्यक्रम को नहीं करेगी, नहीं रखेगी, बाकी कार्यक्रम होंगे। और लोग आए थे और लोगों के मन में एक दुख तो था ही, दुख भरा मन तो था ही कि आज हमारे बिहार के प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी संवेदना के साथ, दुख के साथ आज खड़ी है और उन परिवारों के साथ जो अपने बच्चे खोए हैं। कल का कार्यक्रम था आपके जाने का, आज आप जा रहे हैं? हाँ, कल का कार्यक्रम था लेकिन बाकी कार्यक्रमों को मैंने स्थगित किया है और कल 3 बजे जाने का कार्यक्रम था। मैं अभी यहाँ से सीधा मुजफ्फरपुर जाऊँगा। मंत्री जी जरूरी, हाँ, कोर कमेटी की बैठक रद्द हो गई है, बाकी बैठक मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में जो पाकिस्तान का बना हुआ राइफल है जी, उसका प्रयोग नक्सली कर रहे हैं, वहाँ पे जो इनकाउंटर हुआ उसमें मिला है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारत की सरकार पूरी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, जो भी कदम है उठाए जा रहे हैं और भी जो कड़े कदम की आवश्यकता होगी सब भारत की सरकार। अब अरे साइड हो गया ना, साइड हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।